लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने मालीवाल का बयान दर्ज किया। करीब 4 घंटे से ज़्यादा तक घर में मौजूद थी दिल्ली पुलिस। एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ के सामने बयान दर्ज किया। स्वाति मालीवाल ने सोमवार 13 तारीख का पूरा घटनाक्रम बताया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अवगत कराया है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया है। करीब 4 घंटे से घर में मौजूद थी दिल्ली पुलिस। एडिशनल सीपी, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ के सामने ये बयान दर्ज कराए गए हैं। स्वाति ने सोमवार को 13 तारीख का पूरा विवरण बताया। स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया है। लगातार स्वाति मालीवाल के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर सियासी होल्ले के बीच ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। जब पुलिस पहुंची है तो घटनाक्रम पुलिस को बताया है। जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, इसी खबर पर उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची, क्या कुछ इस दौरान हुआ? एक सवाल बार बार हर कोई पूछ रहा था कि स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज क्यों नहीं कराया। बिल्कुल, देखिए पंकज, पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि स्पेशल सेल के जो एडिशनल सीपी हैं प्रमोद कुशवाहा और एडिशनल डीसीपी हैं अंजिता के सामने स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया है। यानी अभी तक ये रिपोर्ट जो है वो पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, और जानकारी ये भी आ रही है कि पुलिस कमिश्नर को जो अधिकारी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और अब पुलिस जो है वो लीगल एक्शन लेने की तैयारी है। कहा जा रहा था कि 13 तारीख की घटनाक्रम है, स्वाति मालीवाल ने बताया, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार स्वाति मालीवाल ने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, आखिरकार ऐसा क्या प्रेशर था जो कि वो दबाव में आ रही थी। इसी के चलते महिला मोर्चा भाजपा की जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो भी उनसे मिलने के लिए आज पहुंची थी कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा घटना हुई है कि आप दबाव में हैं क्या, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सामने अब बयान दर्ज करा दिया, और दिल्ली पुलिस अब लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक पुलिस स्वाति मालीवाल के घर में रही और बयान दर्ज किया है स्वाति मालीवाल का। 13 तारीख की पूरी घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज किया है।